Seven ways to boost your testosterone. Number one is keeping the cholesterol high. मतलब आपके बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल रहते हैं गाइस, बैड एंड गुड कोलेस्ट्रॉल. आपको अपना गुड कोलेस्ट्रॉल हाई रखना पड़ेगा. हाउ डू यू गेट दैट इज बाय ईटिंग हेल्दी फैट्स. डू नॉट एवर गो ऑन अ लो फैट डाइट. जैसे कि मोस्ट पीपल स्टार्ट स्किपिंग ऑन वेरी गुड फैट्स लाइक एग योक्स, आलमंड्स, यू नो, नट्स, ऑलिव ऑयल. बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैट्स जो एसेंशियल है आपके कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करने में. दोस पीपल स्किप दैट. सो please do not go on a low fat diet. Keep the cholesterol high. Tip number two is actually to keep the protein moderate. आप लोगों को बहुत important ध्यान रखना है कि आपका protein moderate category में रहना है. What do I mean by moderate is बहुत सारे लोग if they are in a heavy muscle building stage, वो लोग into 3 grams per kg body weight protein consume करते हैं, like around 240 grams protein. That is not required, guys. अगर आपको protein ज़्यादा हो गया, आपकी बॉडी वो प्रोटीन को कन्वर्ट नहीं कर सकती, अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, दैट्स व्हेन द रिमेनिंग प्रोटीन व्हिच इज नॉट बीइंग अब्सॉर्ब्ड विल टर्न इनटू ग्लूकोज. और ये ग्लूकोज, यू नो, एज सून एज देयर इज ग्लूकोज, इंसुलिन स्पाइक होगा. एंड यू नो, आपका इंसुलिन स्पाइक होने से स्टार्ट स्टोरिंग दैट एज शुगर और ये आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस. सो डो नॉट ट्राई टू ईट एक्सेस प्रोटीन. कीप द प्रोटीन मॉडरेट और आपका इंसुलिन स्टेबल रहेगा. Tip number three is to keep the carbs on a very lower side. मतलब आपको लो कार्ब जैसा रहेगा, आपका इंसुलिन भी लो रहेगा, आपको इंसुलिन स्पाइक नहीं रहेगा. तो ऑल यू नीड इज टू कीप योर कार्ब्स लो, योर इंसुलिन स्टेज लो, एंड योर जब आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, योर बॉडी विल प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन गाइस. एज सिंपल एज दैट. तो थोड़ा कार्ब्स आप अपना लोअर रेंज में रखिए. टिप नंबर फोर इज आप लोगों को एक्सरसाइज करना है. एक्सरसाइज इज वेरी ट्रिकी. बहुत सारे लोग ये गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब वो जिम जाते हैं, थ्री आवर्स ये बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं गाइज. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. वॉट आई मीन बाई एक्सरसाइज इज इंटेंसिटी हाई रखिए. एज सून एज द इंटेंसिटी इज हाई, आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा एंड योर टेस्टोस्टेरोन विल गेट रिलीज्ड, राइट? तो वंस योर टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड, राइट, यू विल बी इन दैट स्टेट. लेकिन अगर आप ओवर ट्रेनिंग कर दोगे, लाइक दो घंटे एक्सेसिव ट्रेनिंग कर दोगे, योर बॉडी विल ऑल्सो रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन. ये आप जैसे ही रिलीज होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को मार देगा. यू स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस और आपके बॉडी पे बहुत प्रेशर पड़ेगा. सो एज सून एज योर कॉर्टिसोल इज हाई, टेस्टोस्टेरोन गोज डाउन. तो एक्सरसाइज इज ट्रिकी. ट्रेन विथ इंटेंसिटी फॉर अबाउट 15 मिनट्स और 1 आवर. बस द बेस्ट वे टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन इज ट्रेनिंग विथ इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो, राइट? जैसे कि वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल, जैसे कि आपके हार्ट रेट बहुत एक्सट्रीम रेट पे ना जाए, वेर इन यू स्टार्ट रिलीजिंग योर कॉर्टिसोल, राइट? एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिकली सो दैट योर टेस्टोस्टेरोन इज बूस्टेड गाइस. एज सिंपल एज दैट. टिप नंबर फाइव व्हिच इज स्लीप, राइट? स्लीप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस. तो आप जब भी वर्कआउट करके पूरे दिन का स्ट्रेस लेके, इफ यू नॉट स्लीपिंग, योर बॉडी विल रिलीज समथिंग कॉल्ड अ स्ट्रेस हार्मोन व्हिच इज अगेन कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल ये ऐसा समझो कि आपका दुश्मन है टेस्टोस्टेरोन का. जैसे ही आपका कॉर्टिसोल हाई हो जाएगा, योर टेस्टोस्टेरोन कम्स डाउन. सो मेक श्योर यू आर एटलीस्ट स्लीपिंग 8 to 10 hours आफ्टर योर इंटेंस सेशंस टू कीप योर कॉर्टिसोल लो एंड रिलीज योर टेस्टोस्टेरोन. टिप नंबर सिक्स is keeping your estrogen on lower side. Estrogen is again an enemy of testosterone. इसका ये मतलब है कि जैसे ही आपका estrogen बढ़ेगा, आपका testosterone low हो जाएगा. Estrogen low रखने के लिए आपको मेरा previous point sleep, उसके बाद आपको थोड़े food items neglect करने पड़ेंगे. Some people eat a lot of soya products, soya beans, soya chunks. Soya chunks, आप 100 grams से ज़्यादा खाओगे तो your estrogen will start spiking up. To make sure you keep your estrogen on the lower side, do not consume soya products, soya protein, soya chunks, soya blah blah blah. मत consume करिए guys. You'll start developing estrogen which is not required for you. Last but not the least is supplements, right? इसका मतलब ये है. I want to emphasize on the fact fatty liver. बहुत सारे लोगों का लिवर जो जैसे कि गट के एरिया, मतलब पेट के एरिया में, उनके लिवर पे बहुत ज़्यादा फैट रहता है इंटरनली, दैट इज अ स्टोर्ड इंटरनल फैट.
हाउ डू यू गेट रिड ऑफ दिस फैट? जैसा आपका लिवर हेल्दी रहेगा, द मोर हेल्दियर लिवर इज, द मोर रिस्पॉन्सिव इट इज टू ऑल द सप्लीमेंट्स दैट यू टेक, बिकॉज जो भी आप कंज्यूम करते हो विटामिन सप्लीमेंट्स ब्ला ब्ला ब्ला, वो आपके लिवर में ब्रेक डाउन होके इट गोज इन टू योर ब्लड स्ट्रीम्स. तो वॉट यू डू इज योर लिवर हैज टू बी वेरी हेल्दी. हाउ यू यू नो रिमूव द फैट फ्रॉम द फैटी लिवर इज, आप लोगों को मॉडरेट प्रोटीन, लो कार्ब एंड अ मॉडरेट फैट डाइट फॉलो करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 3 months. जैसे कि आपका पेट भी कम हो जाएगा, यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, यू स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड. जैसा आपका लिवर से फैट हट जाएगा, यू ऑल्सो स्टार्ट लूजिंग वेट, क्योंकि लिवर जब हेल्दी हो जाएगा, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग मिनरल्स विटामिन्स इन अ मच फास्टर वे, एंड आपकी बॉडी यू नो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी टू ऑल दस मिनरल्स एंड विटामिन्स, राइट? सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर लिवर एंड स्टॉप, डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल और टॉक्सिक सब्सटेंसेज, जैसे कि आपको लिवर में फैट बढ़ा देगा गाइस, प्लीज, राइट? सो दिस इज वेरी एसेंशियल. आई होप ये टिप्स आपको ऑन पॉइंट लगे, अच्छे लगे. अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक अ इन डेप्थ वीडियो ऑन दिस एक्सप्लेनिंग यू मोर अबाउट टेस्टोस्टेरोन. ऑलराइट, अंटिल देन आई विल सी यू.